आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला। जी हाँ, हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, चाहे आप किसी प्रकार के भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपिटिशन एग्जाम या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएससी नामकरण पूछा ही जाता है। और इस प्रकार के आईयूपीएससी नाम तो पूछे ही जाते हैं, जैसे इनका आईयूपीएससी नाम अक्सर पूछ दिया जाता है तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, इसका नाम पूछ दिया जाता है तब घबरा जाते हैं, है ना। बच्चे इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं मेथेनल, है ना। तो आपको मैं इनका फार्मूला बता देता हूं। देखिए यहां पर इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है, लेकिन याद रखिए मैं आपको बेहतरीन फार्मूला बता रहा हूं, बस आपको इस फार्मूले को याद रखना है। और इस फार्मूला के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आईयूपीएससी नामकरण कर सकते हैं सभी का। याद रखिए मैं आपको इस प्रकार का जो ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है, उसका आईयूपीएससी नामकरण करना सिखा रहा हूं, केवल और केवल एल्डिहाइड का। तो जब एल्डिहाइड टाइप का हो और उसका आईयूपीएससी नामकरण करना हो तो हम इनका सूत्र कैसे बनाएंगे, तो इनका हाँ यहां पर आप सूत्र लिख सकते हैं। मैं यहां पर सूत्र बना के बता देता हूं। जैसे मान लिया कोई भी एल्केन हो, एल्केन मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर हम उसको एल्केन बनाते हैं। तो मान लिया कोई भी एल्केन हो तो उस एल्केन को यदि हम सूत्र बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एल्केन है तो जब हम आईयूपीएससी नामकरण करेंगे तो जनक एल्केन जो होगा, है ना, अर्थात कार्बन की संख्या के आधार पर वो एल्केन बनता है। तो इसमें से यदि आप ई को हटा देते हो और ए एल जोड़ देते हो, ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर ये कहा जाए आपको अल जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा अल जोड़ना है। आपने एल्कोहल का नाम क्या होगा तो आपने आल जोड़ा था, ठीक है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहां पर आपको केवल अल जोड़ना है, अल एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं जी, जैसे नल होता है ना वैसे ही अल होता है। तो देखो आपको एल्केन में से ई को घटाना है, इसका मतलब यहां पर ऐसे कर देता हूं मैं, देखो एल्केन लिखा है तो ई को आपको घटा देना है और जोड़ देना है अल। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा बताओ आप, ये हो जाएगा एल्केन, तो हो गया देखो एल्केन हो गया और अल जोड़ना है, ये हो जाएगा अल। इसका मतलब ये क्या होगा, एल्केनल, ठीक है। ये केवल एक फार्मूला के रूप में है भाई। अब इसी के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी एल्डिहाइड समूह हैं उनके हम आईयूपीएससी नामकरण कर सकते हैं। कैसे नामकरण करेंगे मैं आपको बहुत ही सरलता से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको देखना है कार्बन की संख्या, बस तो देखना रहता है जी, यहां पर कितने कार्बन है। एक बात और याद रखना है, एल्डिहाइड में स्वयं खुद कार्बन है, जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ना CHO, इसमें देखिए यहां पर ये खुद कार्बन है। और जब एल्डिहाइड हो तो उसमें जो कार्बन होता है उसको हम क्रमांक गिनते हैं, मतलब उसके कार्बन को अंकन किया जाता है। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, एक हो गए। तो इसलिए बच्चे अक्सर यहां पे गलती करते हैं, सर इसमें कार्बन की संख्या दिख नहीं रहा, भैया एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसको भी आपको गिनना है। तो इसमें कितने कार्बन है, देखिए यहां पर देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन है। और एक कार्बन के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, मेथेन, है ना। जब जनक कार्बन को याद करते हैं ना, याद करे होंगे ना आपने, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस प्रकार के आपने नाम याद रखे होंगे। उसी के आधार पर हम क्या बोलते हैं, कार्बन एक है तो क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। अब मेथेन है तो इसका आईयूपीएससी नामकरण करो इस प्रकार, देखो ये देखो यही तो है। तो देखो एल्केन की जगह हम क्या लिखेंगे, अभी आप मान लीजिए मैं क्या लिखता हूं, मेथेन, ठीक है, ये हो गया मेथेन। मेथेन में से किसको हटाना है, ई को, एक ई को हटाना है और क्या जोड़ना है, अल। ये लो आपका हो गया आईयूपीएससी नामकरण। और क्या चाहिए बताओ, इसको हम हिंदी में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए मेथेनल, इंग्लिश में आप इस प्रकार लिख सकते हैं जी, ये देखिए मेथेनल, है ना, ऐसा हो जाएगा, ये देखिए मेथेनल। इसमें आ जाओ, देखो कितने कार्बन है इसमें, एक और दो, और दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। तो इस फार्मूला के तहत मैं क्या करूंगा इसको, ये देखो इस प्रकार लिखूंगा, ये हो गया एथेन। इनमें से आपको ई को घटाना है ना, और प्लस ए एल जोड़ना है, ये देखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए एथेनल, ये आपका आईयूपीएससी नाम है। ये तो फार्मूला के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए C2H5 और CHO, मतलब इतना तो एल्डिहाइड है लेकिन इसमें एक कार्बन आया है, और उसके बाद यहां पर देखिए दो कार्बन और है, तो दो और एक कितने हो गए, टोटल तीन कार्बन, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो यहां पर जब हम प्रोपेन लिखेंगे, ये देखिए प्रोपेन, इसमें से ई को हटाना है, मतलब यहां पर मैं ई लिखता हूं तो इस ई को तो हम हटाते हैं ना, ये वाला ई को हटा दिए, यहां पर भी हमने हटाया था,
और जोड़ना क्या है यहां पर, अल जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये देखो इसका भी नाम आसानी से याद हो गया। आप देखो ये क्या है, फिर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर कार्बन की संख्या को गिनो, एक दो और तीन, इसमें देखो एक दो और तीन, इसमें दो कार्बन था एक साथ। ये लिखने के तरीका को बदल दिया है। अब कोई बच्चा परीक्षा हाल में इसको प्रोपेनॉल लिखते हैं तो इसको वो क्या लिखेगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए। आप नियमों को सीखो, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। तो जैसे इसमें कार्बन कितने हैं, एक दो और तीन हैं, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, और प्रोपेन है तो उसमें क्या करना है, ई को हटाना है और जोड़ना है। मतलब ये भी क्या है, ये भी प्रोपेनॉल ही है, याद रखिएगा, ये बहुत आसान होता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बहुत छोटा सा वीडियो के माध्यम से बताया कि अब ये तो समझ आ गया है कि इसके आधार पर हम IUPAC नामकरण तो कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रश्न को, हाँ ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न को कुछ घुमा के दे दिया जाता है तब हम उसका नामकरण कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, केवल इसके संरचना को परिवर्तन कर दिया जाता है। और याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यदि इनके संरचना को बदल दिया जाए तो उसका हम नामकरण कैसे करेंगे, आगे वाले वीडियो को आप जरूर देखिए और मैं आपको कुछ प्रश्न भी बताऊंगा, उस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना भी है। तो आइए मैं कुछ प्रश्नों को आपको लिख के बताता हूं कि इसको किस प्रकार और पूछा जा सकता है, जिनसे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज का वीडियो आप पूरा देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। तो आइए मैं कुछ प्रश्न आपको लिखकर बताता हूं। तो आइए यहां पर जैसे कुछ संरचना इस प्रकार दिया रहे, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा है H, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहां पर लिख दे H, तब ये क्या है, या फिर इसी को इस प्रकार भी लिख दे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, ठीक है। तो इस प्रकार जब इसका नाम लिख दिया जाए तो ये क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो संरचना दिख रहा है इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि इतने को आप लोग देखिए, यहां पर इतने को ये देखिए और इसमें इतने को देखिए, ये क्या है, क्या ये CHO है, CHO मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी देख लो, ये भी तो CHO ही है जी, ये देखो है ना CHO, मतलब ये भी एल्डिहाइड है। यदि इसको मैं संशोधित रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसको HCHO ही लिखूंगा, मतलब ये भी क्या है, ये भी मेथेनल है ना। इसको साधारण नाम में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये इसके साधारण नाम होते हैं, लेकिन हमको इसके साधारण नाम नहीं करने हैं, इसके IUPAC नाम क्या होंगे, अभी मैंने आपको बताया है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का संरचना दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार इनका संरचना सूत्र इस प्रकार दिया हो तो इसको हम, ये देखो एल्डिहाइड तो है, तो यहां पर हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, CH3CHO। अब देखिए ये क्या है, ये इसका नाम तो हमने पहले किया हुआ है, अब भी जस्ट किए थे ना, इसको हम क्या बोल रहे थे, IUPAC नाम जब हमने किया था तो इसको हम क्या बोले थे, एथेनॉल बोले थे। इस प्रकार आपने लिखा था एथेनल, याद रखिएगा लास्ट में आप अल जोड़ते हैं, अल एथेनल, AL एथेनल। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे नाम को आसानी से कर सकते हैं, याद रखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगले वीडियो में हम इनके श्रृंखला वाले नामकरण करना सीखेंगे, जब एल्डिहाइड के साथ पार्श्व श्रृंखला के रूप में कोई अन्य समूह जुड़ा हो, एल्किल मूलक जुड़ा हो, तब उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इस प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इनका IUPAC नामकरण क्या है, आपको इनका IUPAC नाम बताना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार दिया हो C3H7CHO, इस प्रकार का दिया हो, इसको आपको नामकरण करके बताना है, ठीक है। उसी प्रकार ऐसा दिया हो C4H9, यहां पर C लिखा हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो और यहां पर H हो, इसका नामकरण करना है। इसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां पर देखिए मान लीजिए C2H5 हो और यहां पर C हो और यहां पर डबल बॉन्ड इधर डाल दे और H को इधर रख दे,
तो इसका नामकरण क्या होगा। इसी प्रकार इसको हम और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C3H7CH2 होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये H। तो इस प्रकार के जो नामकरण होंगे इनके आईयूपीएसी नामकरण क्या है और इनके क्या है और इनके, ये सभी के आपको आईयूपीएसी नामकरण करके बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आज के वीडियो को आपने पूरा देखा है तो निश्चित रूप से आप इन सभी का आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और याद रखिए, आप जब तक पढ़ाई करेंगे, चाहे आप कॉलेज पढ़ें या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी है और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इनका आईयूपीएसी नामकरण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।